हाय गाइस, पाइथन का एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। तो जानते हैं कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट उन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जिनका वैल्यू चेंज किया जा सकता है, यानी कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उनका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उनके कॉन्टेंट को आप चेंज कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेंट को आप चेंज कर सकते हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट को म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कि लिस्ट, सेट, डिक्शनरीज, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट की बात करें तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स हुज वैल्यू और कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, उनके कॉन्टेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सो पाइथन में नंबर्स, स्ट्रिंग, टप्पल्स या फिर ट्यूपल्स इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये था थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पाइथन में एक छोटा सा, जिसमें आपको मे बी आपको इंटरव्यू में ये हेल्प कर सकता है, या फिर अगर आपके सिलेबस में है पाइथन प्रोग्रामिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये समझना चाहिए कि क्या म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है और क्या इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। सो होपफुली आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।